गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़ें। द प्रोमोटर्स ऑफ सेवा लिमिटेड टुक ओवर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी आर रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2017। द एनुअल अकाउंट्स वर मेड अप टू 31 मार्च 2018, विच रिवील दैट द सेल्स फॉर द होल ईयर टोटल ₹2,400 लैक्स, आउट ऑफ विच सेल्स टिल 31 जुलाई वर इतना एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाज दिस। द एक्सपेंसेस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च वर एज फॉलोज। सो नाउ प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। फ्रेंड, इसमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो बस सेल रेशियो और टाइम रेशियो ही रहेगा और उसी रेशियो पर अपने बढ़ जाएंगे। चलिए, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए यहां पे लिखेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यहां पे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है जी, तो जो पीरियड है वो इसमें 1 अप्रैल 17 से 31 जुलाई 17, और ये 1 अगस्त 17 से 31 मार्च 18। तो जो टाइम रेशियो आता है ये 4 मंथ हैं और ये 8 मंथ हैं, दैट इज 1:2। अब सेल की बात करते हैं। सेल जो है क्वेश्चन में दे रखी है कि टोटल आपकी 2400 है, जिसमें इस पीरियड की सेल 600 है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, पहले तो सेल रेशियो लिख लीजिए। सेल रेशियो आया आपका 1:3। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। चलिए यहां पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पे हम लिखेंगे बेस एलोकेशन का। ग्रॉस प्रॉफिट है एट द रेट ऑफ 20% ऑन सेल, तो ये हमारा 120 एंड 360 आ गया। अब माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। चलिए पहले सारे एक्सपेंसेस लिख लें। नंबर वन सैलरीज, ये आपकी 75 है। नंबर टू रेंट, रेट, इंश्योरेंस 30। नंबर थ्री ऑफिस एक्सपेंसेस 72। नंबर फोर ट्रेवलर कमीशन 20। नंबर फाइव डिस्काउंट अलाउड 16। ठीक है, नंबर सिक्स बैड डेट्स 8। नंबर सेवन डायरेक्टर फीस 30। नंबर एट टैक्स ऑडिट फीस 16। नंबर नाइन डेप्रिशिएशन 15। और नंबर टेन डिवेंचर इंटरेस्ट 14। ठीक है जी, कि आपका
नेट प्रॉफिट निकल आएगा। देखिए ये आपका डायरेक्टर फीस सिर्फ पोस्ट में जाएगा और डिवेंचर इंटरेस्ट भी सिर्फ पोस्ट में जाएगा, ठीक है। ये आपके टाइम रेशियो में, टाइम रेशियो ये सेल रेशियो एंड टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो के हिसाब से 1:2 में बढ़ जाएगा, ठीक है, और सेल रेशियो के हिसाब से 1:3 में बढ़ जाएगा। चलिए तो कर लें, 25 प्लस 25 इस तरफ का टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं 77 माइनस 120 तो ये आ रहा है 43, ठीक है। ये आ रहे हैं 235, तो ये हो गए हमारे 2448 आएगा ये, ठीक है। चलिए एक मिनट, चलिए 25 प्लस 34 प्लस 9 अच्छा बैड डेट्स तो बांटे ही नहीं है, अभी बैड डेट्स ही तो बटेंगे 2 और 6, तो ये आ जाएगा 79, तो ये आएगा 41 और इसका टोटल कितना आएगा 235 में से 24 217, ये आ जाएगा 143, ठीक है। टैक्स ऑडिट फीस है, अगर ये ऑडिट फीस होती तो सीधा पोस्ट में जाता है। ये प्री इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच।